मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। की मां जो दिया ही ना, ओ मैं जो देखियो आके कर लेंगे। दोस्तों देख रहे हो कितना जाम है, बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल लोगों ने है ना, इतना दाम है, लोग एकदम से आते हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं कर तो सकते, हमारे हौसले बहुत बुलंद है, हौसलों की उड़ान देखेंगे, वो चलते जाएं रास्ते से, ये रास्ते कहीं खोज रहे हैं, आ जाओ जो पार कर ले। ये दोस्तों ये चूतिया इसकी बकवास में सुनना, ये बोलता है राधा बहन जितना, बच गए बच, देखो यार बहुत खतरनाक हाल है। पर हमें कोई नहीं रोकेगा क्योंकि हम बाइक पे हैं, गाड़ी में होते तो हम भी फंस जाते हैं, हम फंसेंगे नहीं। पर लाइव अपडेट, अब यहाँ पे चलान थोड़ा खत्म है। ओह जाम नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वैसे इतना जाम है वे, जाने से पहले ही दोस्तों प्रॉब्लम आ चुकी है। ESD का वो टूट गया क्या, गियर ESD का टूट गया गियर, अब क्या करें, लेट्स सी। अब भाई को पकड़ने जा रहे हैं पीछे, यहाँ पे भी है। हाँ भाई, जो जहाँ मन करता है लोगों का वहीं रोक लेते हैं ना, लोगों का बाहर वाले लोगों का जहाँ मन करता है वहीं रोक लेते हैं। भैंचो गाड़ी पैंचो आएगा पिछला, देखा जाए खुद बचाएगा, खुद को बचा लेगा, नहीं तो नहीं। ये हम बाइक बंद करते हुए जा रहे हैं क्योंकि गियर टूट चुकी है भाई की। भाई ने कहा सारा सामान डाल दो, भाई ने माई चोत रखी थी भाई की, बहन चोत कुछ हम ज्यादा ही आगे आगे रफ्तार में, बहुत पीछे है वो। चलो देखते हैं, लो भाइयों जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही जर्नी की मां चोत दी भाई ने, ओ बहन चोत देखियो कहाँ से निकला ये? इसमें ना ए लगेगा सीधा ही। चलो कुछ ना कुछ देखते हैं। तो दोस्तों बाइक में प्रॉब्लम होने के कारण हमें दोबारा सोलंग वैली से नीचे जाना पड़ा मनाली के मेन मार्केट में, जहाँ पे हमें मैकेनिक मिल सकता था, अदरवाइज हमारी आगे की सारी ट्रिप खराब हो जाती। तो हम जहाँ पे हमने ट्रिप स्टार्ट की थी मनाली के मार्केट, वहाँ तक हम किसी न किसी तरीके से बाइक को लेके जा रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे भी इसीलिए क्या हुआ है कि जो लीवर पैनल है ना, गियर पैनल जो है वो बाहर आ चुका है, उसको टाइट कराना है, और उसको टाइट कराने के ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा, उसका बोल्ट लूज़ हो चुका है। मुझे लगा था गियर बॉक्स टूट गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम उस लीवर को टाइट करवाने के बाद अपनी जो ये ट्रिप है उसको कंटिन्यू रखेंगे। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, आज हमें काफ़ी आगे जाना था, पर हमें शायद बीच में ही रुकना पड़ सकता है। बाइक ठीक कराने के बाद हम दोबारा से वापस जा रहे हैं। दोस्तों मेन मार्केट में हमारा 50 या 100 रुपये का खर्चा आया लीवर को दोबारा अटैच कराने के लिए। अब हम सीधा सोलंग नाला को क्रॉस करते हुए अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अब जाम देख सकते हैं, जाम बहुत ज़्यादा था, नीचे भी सोलंग वैली आने में भी जाम है, और सोलंग वैली से आके अटल टनल में भी जो हम जा रहे हैं वहाँ पर भी जाम है। ये तो हमारे पास बाइक है जो हम साइड से अपनी ट्रिप निकाल के ले जाते हैं। दोस्तों जब भी एक बार याद रखिए, जब भी आप ट्रिप स्टार्ट करें बाइक को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अटल टनल के पास भी कितना जाम है, मतलब टूरिस्ट ज़्यादा है मैं मानता हूँ, पर इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कि आपको वहाँ पे घूमने का मज़ा ही ना आए। तो यहाँ पे भी पूरा जाम मिला मेरे को अटल टनल के पास भी, पर हम एटलीस्ट टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं, देखते हैं टनल के उस तरफ का कैसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पर तो मौसम अभी साफ़ था, वहाँ का मौसम देखते, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट गेन करोगे ना आपको ठंड लगती हुई जाएगी। दोस्तों तो हमेशा याद रखिएगा, टनल में माना रास्ता खाली है, पर जो स्पीड लिमिट लिखी है प्लीज़ उसी स्पीड लिमिट पे एंटर करना है आपने, और मिडल में भी सेम स्पीड पे चलाना है, और जो एग्ज़िट करना है वो भी सेम स्पीड पे करना है, क्योंकि देखो दोस्तों छोटी सी प्रॉब्लम आपको बहुत हैवी पड़ सकती है।
अभी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पर एटलीस्ट शुक्र है हम मनाली के उस पोर्शन में थे जहाँ पे हमारी बाइक ठीक हो पाई। अगर हम किसी और पोर्शन में होते हैं जहाँ पे हमारी बाइक नहीं ठीक हो पाती तो आप फंस जाते हो। तो बाइक को हमेशा पहले मेंटेनेंस करवा के लेके जाना। मेरी तो एकदम लेटेस्ट बाइक है हिमालयन, मुश्किल से 5 या 6 दिन हुए होंगे इसको। दोस्तों यहाँ पे हम टनल क्रॉस करके आगे एक तरफ निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जाम यहाँ पे भी है, लोग अभी भी यहाँ पे भी हैं। जाम के नॉर्मल ट्रैफिक है पर आना जाना लोगों का लगा हुआ है। अब हमारा मेन आज का प्लान था कि हम थोड़ा ले पहुँच जाते हैं, आधे रास्ते पहुँच जाते हैं, पर आज हम रुकेंगे दारचे तक का प्लान था, पर आज हम जिस पर रुकने का प्लान है क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए दोस्त हमारा बुरा मान गया, स्माइल करो प्लीज़। बुरा क्यों मान गया? हिमालयन ले दिलाएंगे आपको, आप लोगे? मैं बहुत गरीब हूँ, आप अमीर हो? पैसा ना कुछ नहीं, दान तेरे को भी करेंगे दान। आप एक गिफ्ट देंगे ना आपको? यही देंगे, गिफ्ट देंगे 10-15 साल बाद। ये ले लेना मेरे से, ये ले लेना जो हमने चला रहे हैं ना, ये ले लेना। सो थोड़ी देर अपनी बाइक को रेस्ट देने के बाद हम निकलते हैं सीधा शिशु टांडी और जिसपा की तरफ। दोस्तों कि ऑलरेडी हम ना लेट निकले थे क्योंकि मेरे साले की वो थी ड्यूटी थी जो ये फ्लिपकार्ट में काम करता है, तो हम 1:30 बजे के बाद निकले। 2 बजे तक भी हम यहाँ से आगे होने चाहिए थे, पर जो बाइक की प्रॉब्लम है उसके करके हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं, मतलब काफ़ी पीछे हैं। यहाँ पे हम ना शिशु पहले हम क्रॉस करते हैं, शिशु क्रॉस करते करते हमें 4:30 हो चुके थे, और मेरा मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ये थी कि शाम होने हैं, मतलब रात होने से पहले हम जिसपा पहुँच जाएँ एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद का सारी ट्रिप हम एक बारी में करेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। पर हम लिटरली बहुत लेट हो चुके हैं तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है। यहाँ पे हमने शिशु क्रॉस किया दोस्तों, मौसम बहुत ही बढ़िया था, अब हमारे पास ना टाइम कम था, तो हमने अपनी बाइक की टॉप स्पीड पर उठाई हुई थी ऑलमोस्ट, कि जितनी स्पीड पे चल सकते हो कि रास्ते खाली हैं, तो जितनी स्पीड में हम चला सकते थे हमने उतनी स्पीड में सेफली ड्राइव किया। मेरी बाइक चलो अभी रिसेंटली निकली हुई है तो मेरे को तो पिकअप बहुत बढ़िया लग रही थी, पर अभी सोचो कि बस हिमालयन तो दोस्तों अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। दस के ले लेते हैं, दो ले लो, दस दस के ले लो, दो दे दो, दो सूरी ठीक है, पाँच पाँच रुपये बंद बोतलों में धूप लगा दे, यहाँ पे यहीं बांध देंगे बस दोनों तरफ, बंदे की जब मैं कह रहा हूँ बांधना इधर, चलो अब निकलते हैं गाइस आगे। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं किलोंग, और हमने आज से ना जिस पर हमें अपना ही कैंप लगाएंगे गाइस, अपना ही कैंप लगाएंगे आज। हमारे पास ना बोतल हमने पीछे ले ली थी टांडी में, तो अब हमने ये सोचा था कि जो लास्ट पेट्रोल पंप है केलोंग और ले वाला जो रास्ता हम फॉलो करने वाले हैं बारालाचा वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ केलोंग में है, तो हमने कहा यहीं पे केलोंग के पास हमने जिसपा या गैमूर में रेस्ट करना है, तो हम वहीं पर जाकर सीधा पेट्रोल भरा लेते हैं। मेरी बाइक की तो माइलेज अच्छी मिल रही थी और पिकअप भी, दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, अप हिल पर भी पिकअप बहुत ही अल्टीमेट आ रही थी। तो मेरी बाइक लेके जा रही है, वो नहीं जा रहा तो आके रेसिंग रूम तू हाथ पकड़ लेना, तब तक आके कर लेंगे। और रस्सी ले जो मर्जी ले तू ले, अब आप पीछे जाना पड़ेगा सारे तेरे चक्कर में हमको। बैठ बंकू। तो गाइस चमन चूतिया ने फिर से गांड मरा ली है, इस चूत ने आज इतनी गांड मराई है ना, इस बंदे ने गांड ही गांड मराने का खिताब ले रखा है आज। अब हमें पीछे जाके दोबारा पेट्रोल भरा के लाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर। शिट गाइस, साला केलोंग पहुंच गए, केलोंग से वापस जा रहे हैं हम। पहले ही पेट्रोल भरे, गलती ना करे, हमने गलती कर दी, हमने अपने बंदे को बोला था वो माना नहीं। गाइस यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गई है, पेट्रोल लेने आए थे, नीचे भी पेट्रोल नहीं है दोस्तों, दो बार हम नीचे के चक्कर लगा चुके हैं, बहुत बुरी हालत है, पेट्रोल फूका भी पेट्रोल ढूंढने के लिए साला, बुरी सिचुएशन है, बहुत ही बुरी सिचुएशन फंस चुके हैं। बारिश लगी अलग से अलग, पर चलो देखते हैं, हमने रुकना जिस पता शायद केलोंग ही रुकना पड़े आज।
बाकी देखते हैं गाइस। तो इन लोग लड़कों ने अब जुगाड़ करके तेल निकाल लिया है भाई, अब भरेंगे भरेंगे क्या टांगेंगे। भाई रात के 9 बज चुके हैं, गांड फट चुकी पूरी। गाइस ये बच चुके रात के 9, पेट्रोल का अरेंज करते करते पंकु भाई ने करके दिया पेट्रोल अरेंज। थैंक यू टू पंकु भाई, पंकु भाई ने पेट्रोल अरेंज किया। अब हम जा रहे हैं जिसपा तक, जिसपा के पास रुकेंगे आज, टेंट लगाएंगे अभी। तो हमने हिम्मत करके ऊपर जा रहे हैं अब, वरना हम जाते नहीं आगे। कहाँ पहुँच गए? ये टेंट लगा रहा लौंडा हमारा, और ये खड़ी है बाइक के, एक क्लिप इसमें भी लगा, दूर से खींच खींच के पूरा खींच के। गाइस हम बांध रहे हैं अभी टेंट, हम पहुंचे गैमूर। गैमूर के बाद अब हमारा कल होगा यहाँ से लेह के लिए। अभी हम थोड़ा रात में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए, लेट होने की वजह तो आपको बताई होगी कि पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल नहीं मिला, ना मिला कैलोंग, ना मिला तांदी, ना था शिशु। तो फिर हमने वहाँ से कोई जुगाड़ करके, किसी हमारा एक दोस्त है उसने अपना जुगाड़ लगा के कहीं से प्रोवाइड करा 20 लीटर। तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम लेट हो चुके हैं, तो हमने रुकना है दारचा के लिए, हमने प्लान बनाया था, लेकिन हमें स्टे करना पड़ रहा है अभी गैमूर में। तो अभी हमारा टेंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देन अभी देखते हैं इसके अंदर जाके। ये हमारी हिमालयन, अभी इसका फर्स्ट राइड होगी, फर्स्ट राइड है इसकी अभी इतनी लॉन्ग पे। और ये हमारा स्लीपिंग बैग, ये हमारा स्लीपिंग बैग, और ये पेट्रोल जिसके लिए हम इतने परेशान हुए रात को, और ये यजदी, और हिमालयन दिखाओ, मैंने दिखा दी मैंने यजदी, जिस बहुत ही कंफर्ट बाइक है दोनों ही, लेकिन सालो एंट्री वहाँ से करा ली थी, एंट्री यहाँ से कराई थी। अभी हम खोलेंगे, अरे भाई खोलना जरा, सामान खोलना चाहिए, सुबह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहाँ रखें, बाहर रखें इसे, ये बहुत ही ऐसे ना सुंदर लोकेशन पे है एक टेंट, ये मतलब यहाँ पे कैंपिंग का बनाया है इन्होंने, तो बहुत ही बढ़िया है। एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, लेकिन आजकल इन्होंने ठंड ज़्यादा रहती तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पता नहीं क्यों बना के रखा था। तीनों आ जाएंगे। ओ, तो हमारा टेंट हुआ भी रेडी, अभी हम देखते हैं इसमें जाके। आ जाएंगे। तो अब हम गाइस मिलते हैं कल। ये हमारे लुक एट दिस गाइस, ये देख, ये लाइट लगाने के लिए है रस्सी, और ये यहाँ पे लाइट लगाने के लिए कल लाइट ले लेंगे, बहुत ही बढ़िया।